इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना, सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत